हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम मार्केट स्टाइल में पाव भाजी बनाएंगे। पाव भाजी बनाने के लिए सबसे पहले हम कई तरह की सब्जियों को कुकर में उबाल लेंगे। इसके लिए हम कुकर में एक कप कटी हुई गोभी, एक कटा हुआ आलू, एक कप कटा हुआ कद्दू, आधा कप कटा हुआ शिमला मिर्च, आधा कप कटी हुई गाजर। सारी सब्जियां डल चुकी हैं। अब इसमें करीब एक गिलास पानी और थोड़ा सा नमक डालकर कुकर को बंद कर देंगे। अब दो सीटी आने तक का इंतजार करेंगे। जब तक कुकर में सीटी आ रही है तब तक हम कुकर को साइड रख देंगे और हम भाजी की तैयारी कर लेंगे। उसके लिए कढ़ाई लेंगे और उसमें करीब 3 चम्मच तेल डालेंगे। और 1 चम्मच बटर डालेंगे। हम बटर को मेल्ट होने देंगे। बटर मेल्ट हो चुका है। अब इसमें 2 कटी हुई प्याज, 1 कटी हुई हरी मिर्च डाल के थोड़ा भून लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और उसको भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। प्याज हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें 2 कटे हुए टमाटर और 1/2 कप उबले हुए मटर डालेंगे। हम इसमें से कुछ मटर बाद के लिए बचा लेंगे। अब इसे थोड़ा चला लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसलिए डाला है ताकि भाजी में अच्छा सा कलर आ जाए। अब इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच चिंकिंग मसाला और 1 चम्मच पाव भाजी मसाला डालकर सभी मसाले और सब्जियों को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसको पोटैटो मैशर की हेल्प से अच्छे से मैश कर लेंगे। ध्यान रहे इसे अच्छे से मैश करेंगे। आपने अक्सर मार्केट में देखा होगा भाजी को इसी तरीके से मैश करते हैं। अब हम इसे थोड़ा और फ्राई होने देंगे। देखिए कुकर में 2 सीटी आ चुकी हैं। अब हम कुकर की गैस बंद कर देंगे।
देखिए सारा पानी अच्छे से सूख चुका है। अब हम इसमें 1.5 चम्मच कसूरी मेथी डालकर मिला लेंगे। मसाला तो लगभग तैयार है। अब हम कुकर को खोलकर इसकी सारी सब्जियों को अच्छे से मैश कर लेंगे। देखिए सब्जियां अच्छे से मैश हो चुकी हैं। अब हम इसको मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे। इसे हम दोबारा से अच्छे से मैश कर लेंगे। ध्यान रखिए इसे मैश करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आप इसे जितना मैश करेंगे उतना ही इसका स्वाद अच्छा आएगा। भाजी तो बन चुकी है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और बची हुई मटर डालकर मिला लेंगे। ध्यान रहे इसको ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाएंगे। अब हम इसमें नींबू का रस डालेंगे और मिला लेंगे। भाजी तो बन चुकी है, अब इसमें एकदम मार्केट जैसी भाजी की खुशबू आने लगी है। अब इसमें कुछ कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और मिला लेंगे। अब गैस बंद कर देंगे। भाजी तो बन चुकी है, अब हम पाव को सेक लेंगे। इसके लिए हम एक पैन लेंगे। जब तक पैन गर्म हो रहा है तब तक हम पाव को बीच में से काट लेंगे। देखिए हम इसे कुछ इस तरीके से पाव को काट लेंगे। इसी तरीके से बाकी पाव को भी काट लेंगे। अब हम पैन में 1 चम्मच बटर डालेंगे। अब हम पाव को एक साइड से तवे पर रख देंगे और इस तरीके से इसे सेक लेंगे। अब हम दूसरी साइड पर फिर मक्खन लगाएंगे और इसे पलटकर अच्छे से सेक लेंगे। पाव भी सिक चुकी है, अब हम पाव भाजी को एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। पाव भाजी बन चुकी है, अब हम भाजी के ऊपर थोड़ा सा मक्खन रख देंगे। पाव भाजी बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। ये एकदम मार्केट स्टाइल में ही बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।